वेट लॉस स्पेशल, इम्यूनिटी बूस्टर, आंखों, हार्ट, स्किन के लिए फायदेमंद, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला और कैंसर के खतरे को कम करने वाली बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो स्वाद के साथ साथ सेहत से भरपूर है। झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी आप एक बार बना के एक लंबे समय तक खा सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली है आधा किलो लाल वाली गाजर, जिन्हें हमने अच्छे से वॉश करके उन्हें पोंछ लिया है और बस हमने आगे पीछे दोनों का ही एजेस को कट करते हुए इनका छिलका उतार लेना है। आप इन्हें थोड़ा मोटा गोलाई में किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने हमारी गाजर को 2 से 3 पार्ट्स में कट करा है और फिर बीच में से इनमें कट लगाते हुए हमने इनमें मोटा पीला पार्ट जो होता है उन्हें हटा देना है। अगर आपके पास अच्छी लाल गाजर है तो उनमें से इतना वेस्ट नहीं निकलता है, लेकिन जो गाजर का हिस्सा पीले वाला होता है, नीचे का मोटा हिस्सा जो होता है, उसे हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि इस मोटे पीले वाले पार्ट से हमारी इस रेसिपी में टेस्ट ख़राब होगा, थोड़ा कड़वा होता है, तो सारी ही रेसिपी के टेस्ट को ख़राब कर देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आप जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से सारी ही गाजर को कट करके रख लिया। 1/2 kg यानी आधे किलो गाजर थी हमारे पास। सारा ही इसका वेस्ट निकालने के बाद इस समय पूरे 400 ग्राम गाजर हमारे पास है, क्योंकि हमारी गाजर में पीला पार्ट ज़्यादा था, लेकिन अगर आपके पास अच्छी लाल गाजर है तो उनमें इतना वेस्ट नहीं निकलता, बस छिलके का ही वेस्ट होता है और ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे सारा वेस्ट निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास बची थी पूरी 400 ग्राम गाजर, यानी 400 ग्राम्स गाजर हमारे पास यहाँ पे है। डाल दी है पूरी 300 ग्राम चीनी। चीनी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरे 2 घंटे के लिए हमने इसे ढक के रख देना है। जितनी गाजर हो उससे 100 ग्राम चीनी कम ही डालनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और उससे हमारा गाजर का मुरब्बा खाने में इतना अच्छा नहीं लगता। जितनी भी गाजर हो उससे 100 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है गाजर और चीनी का इस रेसिपी को बनाने के लिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा, बिल्कुल सही टेस्ट इसका आएगा। 2 घंटे हमने इसे ढक के रख दिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अगर आपके पास धूप आती हो तो आप इस 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिएगा और बहुत अच्छे से चीनी आपकी मेल्ट हो जाएगी। हमारी भी यहाँ पे 60-70% चीनी मेल्ट हो चुकी है और थोड़ा सा हमने इस तरह से चलाते हुए इसे मेल्ट कर लिया है, जिससे कि जब हम इसे पकाएं तो ज़्यादा परेशानी ना हो। बहुत ईजिली हमारी 15 से 20 मिनट में रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे चीनी हमने काफ़ी हद तक मेल्ट कर ली है चलाते हुए और बस गैस पे रखेंगे पैन। पैन को बिल्कुल हल्का सा भी हमने गर्म करना है और गैस को करेंगे स्लो फ्लेम पर और हमारा ये सारा ही मिश्रण हमें डाल देना है पैन में और बस पीछे से चलाते हुए अलट पलट करते हुए हमने इसे अच्छे से पकाना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और बस सारी ही चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गाजर में पकी हुई चीनी यानी हमारे इस गाजर का मुरब्बा बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है और एक लंबे समय तक आप इसे इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से बस इसे हमने पका लेना है जब तक कि चीनी सारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे करीब 2 से 3 साबुत हरी इलायची खोलकर। आप चाहें तो इसके काले दाने निकालकर उन्हें कूट के भी डाल सकते हैं या आप इस तरह से इन्हें खोल के भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा मुरब्बा आपका बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने 2 इलायची डाल दी है इनका छिलका खोलकर और इनके काले दाने हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। चलाते हुए हमने इसे अच्छे से पका लेना है। बहुत अच्छा कलर इनमें अपने आप आने लगेगा चीनी में पकने के बाद। हमने यहाँ पे इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, बस हमारा ये चीनी का घोल हल्का सा गाढ़ा हो जाए कि जब हम इसे हाथ में ले तो घी की तरह थोड़ा चिपचिपा सा और थोड़ा फिसलता हुआ सा नज़र आना चाहिए, पानी की तरह नहीं महसूस होना चाहिए। और बस इस कंसिस्टेंसी में आ गया है कि हाथ में जब हम इसे ले रहे हैं तो चिपचिपा सा महसूस हो रहा है, कोई हमने इसकी तार की चाशनी नहीं बनानी है। और बस गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, 2 से 3 मिनट इसे ठंडा होने देंगे जिससे कि इसकी स्टीम रिलीज़ हो जाए। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच यानी कुछ ही बूंदें यहाँ पे हमने डालनी है नींबू की, जिससे कि हमारी चीनी क्रिस्टलाइज ना हो, यानी ठंडा होने के बाद चीनी हमारी ना जमे, इसलिए हमने यहाँ पे डाली है कुछ बूंदें नींबू की। बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और निकाल लेंगे इसे किसी बर्तन में, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हमने इसे स्टोर करके रखना है और बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर चेंज हो गया है और हमारी ये गाजर भी 100% सॉफ्ट हो गई है। आप इसे हाथ के हाथ ही खा सकते हैं। इस तरह से हमारा गाजर का मुरब्बा बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल 100% हमारी ये गल चुकी हैं यानी सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस इन्हें निकाल लेंगे स्टोर करने के लिए, यानी किसी बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे कि अच्छे से ठंडी हो जाएँ। हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी गाजर का मुरब्बा बनके सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे बहुत झटपट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से चीनी घुलने के बाद 15 से 20 मिनट लगे होंगे इसे पकने में और हमारा
मुरब्बा बनके सर्विंग के लिए तैयार है। ईजिली स्टोरेबल है। कितनी ही मात्रा में आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।